नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यदि आप YouTube चलाते हैं या फिर Google पर कुछ भी देखते हैं तो वहाँ पर एक ऐड देखने को मिल जाती है। जैसे आप YouTube पर कोई वीडियो प्ले करते हैं, वीडियो प्ले करने से पहले ही आपको ऐड देखने को मिल जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आप उस ऐड को ना देखें, आप उस ऐड को हमेशा के लिए बंद कर दें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे हमेशा के लिए YouTube की ऐड को बंद कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में जो घंटी का आइकन आए उसको भी दबाएं, क्योंकि इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप जुड़े रहें सबसे पहले हमारी अपडेट्स के साथ। दोस्तों यदि आप YouTube चलाते हैं और YouTube पर बार बार ऐड आने से परेशान है या फिर आपके मोबाइल में किसी भी तरह की ऐड आती है उसको आप बंद करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। जैसे कि मैं चले जाता हूँ अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने सबसे नीचे या फिर अपने मोबाइल की सेटिंग में गूगल को देखना है। मेरे मोबाइल में दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे गूगल का ऑप्शन है, इसको आपने अपने मोबाइल में ढूंढना है, सर्च करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी जीमेल आईडी ओपन हो जाएगी, आपकी जीमेल आईडी ऊपर शो हो जाएगी और नीचे आप देख सकते हैं अकाउंट सर्विस और एड्स का ऑप्शन है, तो आपने ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तीन ऑप्शन है। तो दोस्तों आपने एड्स बाय गूगल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसको क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आर्टिकल आ गया है, तो आपने कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं थ्री लाइन है ऊपर, तो इस पर आपने क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, हेल्प सेंटर और एड्स का, तो आपने एड्स पर चले जाना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, ऐड पर्सनलाइजेशन इज ऑन, इसको आपने ऑफ कर देना है। इसके ऑफ करने से आपके यूट्यूब वीडियो पर कोई भी ऐड नहीं आएगा। जब भी आप YouTube पर कोई वीडियो देखेंगे तो कोई भी ऐड आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों आपको Google पर भी या फिर किसी भी ऐप पर कोई ऐड देखने को नहीं मिलेगी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको ऑफ कर देना है यहाँ से। फिलहाल दोस्तों मैं इसको ऑफ़ नहीं करूँगा, आप कर लेना। इसके ऑफ करने से जब भी आप YouTube पर कोई वीडियो देखेंगे तो कोई भी ऐड आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो जरूर लिखना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।